गाइस वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर क्लास 11th फ्रॉम यूनिट 3। इससे पहले जस्ट पहले हमने डाली है यूनिट 2 की वीडियो, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, उसके भी बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, उनमें से कुछ चुनिंदा टॉपिक्स आपको बताए गए हैं। तो लेट्स स्टार्ट वीडियो। और ना ऐसे मत क्या करो कि बस वीडियो खोले, स्क्रीनशॉट लिया और चले गए, क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी होती है जो वीडियो के बीच में बताई जाती हैं और बहुत बार मिस्टेक्स भी ठीक की जाती हैं। तो आप सोचते हो कि नहीं, ये तो दीदी ने गलत बता दिया था, लेकिन हो सकता है वीडियो में आगे मैंने उसके बारे में कुछ बताया हो आपको। सो वीडियो को एंड तक देखना। चैप्टर 8, इसमें चैप्टर 8, 9, 10 तीनों के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे। सबसे पहले चैप्टर 8, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से बनते हैं? सेल थ्योरी जो 8.2 पार्ट है, सेल थ्योरी जो एनसीईआरटी के 125 पेज पे प्रेजेंट है, वो देख लेना, क्योंकि उसमें से 1 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं। बेसिकली इस वीडियो में आपको 1, 2, 3 सारे क्वेश्चंस बताने की कोशिश की है, और रही बात 5 मार्क्स के क्वेश्चन की, वो इस यूनिट से नहीं बनने वाले हैं। अगर आपने ब्लूप्रिंट की वीडियो नहीं देखी है तो वो देख लेना, उसमें मैंने आपको बताया था यूनिट 4, 5 से ही बड़े क्वेश्चंस बनेंगे, और बहुत सी बातें उसमें हमने डिस्कस की थी सारे पेपर से रिलेटेड। सो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल, दोनों के डायग्राम, दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। नेक्स्ट टॉपिक बनता है सारे सेल ऑर्गेनेल्स, ये 1 मार्क्स में भी आ सकते हैं, 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं, और 3 मार्क्स में भी आ सकती हैं। अगर 3 मार्क्स में आए तो डायग्राम, फंक्शन और सेल ऑर्गेनेल के बारे में थोड़ा बहुत बता देना, कहाँ प्रेजेंट होती है इस टाइप से। और अगर यदि 2 मार्क्स में आए तो आपको इसका फंक्शन और इसके बारे में बताना है, और अगर 1 मार्क्स में आए तो इसका थोड़ा बहुत फंक्शन बता देना है। और सेल ऑर्गेनेल्स आपको सारी देख लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं, और बेसिकली ये इस बात पे भी आपको अच्छे से गौर करना है कि कौन सी सेल ऑर्गेनेल 1 वॉल्ड है, यानी किसके बाहर से 1 मेम्ब्रेन है, किसके बाहर से 2 मेम्ब्रेन है, और किसके बाहर से कोई भी मेम्ब्रेन नहीं, ये भी आपको नोटिस करना है। नेक्स्ट चैप्टर 9 बायोमोलिक्यूल, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं स्ट्रक्चर एंड कम्पोजिशन, फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। ये जो 3 है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, इनके स्ट्रक्चर्स, इनका फंक्शन क्या होता है, ये आपको देख लेना है। नेक्स्ट इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि एंजाइम की एक्टिविटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, और एंजाइम का नॉमनक्लेचर, जो मे भी आपको इस साइड वाले पेज पे नीचे छोटा सा पैराग्राफ दिया होगा एंजाइम के नॉमनक्लेचर का। सो देखो इसमें 9.1 से 9.11 तक इतने सारे टॉपिक्स थे, जिनमें से मैंने आपको सिर्फ 4 टॉपिक्स बताए हैं, 3 टॉपिक्स बताए हैं सॉरी। तो कम से कम ये तो आपको करने ही होंगे, ये तो कर ही लेना, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताए जा रहे हैं, इन अगर आपने ये कर ले तो भी आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो चैप्टर 10 देखें, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ये तो मोस्टली इंपॉर्टेंट है, इसमें से हमको एक आधा टॉपिक सेपरेट करके नहीं बता सकते, फिर भी जो इसमें 10.1 है सेल साइकिल, उसमें सारे फेजेस का जिक्र किया है इसने, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, सारे फेजेस। वैसे तो इसने ये 3-4 पेजेस के अंदर लिखा है, बट अगर आप उसको अच्छे से समझ सकें, यानी अगर आपको अच्छे से समझ में आ रखा है या आप उसे समझना चाहें, तो वो एक पेज में भी आसानी से हम समझा सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। तो इतना बड़ा टॉपिक नहीं है ये, जितना एनसाइटिंग को लिख रखा है। तो इसको देख लेना आप सारे पेजेस, सेल साइकिल। और दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मियोसिस, माइटोसिस क्या है, इनका क्या फंक्शन है, ये कब अक्कर होते हैं, इनमें बेसिकली होता क्या है, इनके बीच के डिफरेंसेस। तो मियोसिस माइटोसिस के बीच में पूरी जानकारी, क्योंकि हो सकता है इनके डिफरेंस 3 मार्क्स में आ जाए, या मियोसिस ही पूछ ले क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, ये 2 मार्क्स में आ जाए, इस टाइप से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो अगर आपने ये टॉपिक्स कर लिए तो आपका 1, 2, 3 सारे मार्क्स के क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। तो दिस वाज द वीडियो, हाउ इज द वीडियो, प्लीज टेल इन कमेंट सेक्शन, नेक्स्ट वीडियो किस चीज को होनी चाहिए ये बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।